अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू उज़मा मेहरबान व्लॉग। क्या हाल है? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे और मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। कॉल द लिफ्ट रबान। सो बस ऐसे ही बैठे हुए थे तो उमर ने कहा चलो कहीं बाहर चलते हैं। तो उमर नीचे उतर कर बोला जल्दी से तुम तैयार हो के आ जाओ। तो बस फटाफट वाला तैयार हुई हूँ और नीचे जा रहे हैं और पता नहीं कि उमर कहाँ ले जा रहे हैं, उमर का क्या प्लान है कुछ नहीं पता। तो ये लोग नहीं जा रहे, इधर को रहा है फीवर। तो अबान, मैं और उमर जा रहे हैं, तो देखते हैं कि आज हम कहाँ जा रहे हैं। ये हमारे लिए सरप्राइज है आप सबके लिए। तो ये रहे अबान कैजुअली और मैं बस सिंपल से तैयार हो गई हूँ। बाल बहुत अच्छे। अस्सलाम वालेकुम। तो लिफ्ट आ गई है, जाते हैं और देखते हैं कहाँ जा रहे हैं। कहाँ ले जा रहे हो उमर आप? क्या प्लान है? मैंने कहा उमर हमें सरप्राइज दे रहे हैं, तो मैंने कहा तैयार हो जाओ, मैं एक जगह ले जा रहा हूँ। कहाँ ले जा रहे हैं? चाइनीज़ खाना है। वाह भाई, चाइनीज़ खाना है, वहाँ गए हैं। कहाँ हैं? जौहर हैं, बहुत मिस कर रहे हैं कवल को, अम्मी को भी, है ना? अभी अबीर को भी और दादी को भी बोला था। दादी अभी खा चुकी है खाना और अबान ने कहा ज़ैफ़ा भाई वो फ़ोन नहीं उठा रहे, बहजाद तुम भी फ़ोन नहीं उठा रहे, तो तुम सबका रह गया। बहजाद को भी कॉल करे तो ज़ैफ़ा को भी, और अम्मी ने खाना खा लिया तो अम्मी नहीं आ रही। तुम कर क्या रहे हो? तो हम आ गए हैं घर, मतलब ससुराल, और जो है बहजाद और ज़ैफ़ा को लेने आए हैं। वो आ रहे हैं, उनका वेट कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो छोटू है ना, ये रो रहा था कि उनको बुलाएं। बहजाद की हिम्मत नहीं हो रही थी, लेकिन वो इसके चक्कर में आ रहा है कि अबान रो रहा है। तो हम वेट कर रहे हैं बाहर कि बहजाद और ज़ैफ़ा आ जाएं। और ओहो जल्दी, अबान रोते रोते आगे आगे वो समझा नहीं आ रहे। वो देखो आ गए। तुम पीछे तो जाओ, तुम्हारी ट्रेन कहाँ स्टॉप हुई है? गो, आ रहे बेजी भाई। ज़ैफ़ा आ गया, वो आ गया ज़ैफ़ा। व्हाट, कहाँ है घर? ये है उज़ैफ़ो, ठीक है। रो रहा था ये। जाओ मैं वापसी, कहाँ घर वापसी जा रहा हूँ मैं, तो बस आपसे मिलने आया हूँ। टाटा कर दो बेजा उज़ैफ़ा, मैं वापसी घर जा रहा हूँ अभी जा रहा हूँ। बाय बाय, मैं तो बस आपसे मिलने आया था, मैं तो आपको पारा करने आया था। पारा दे दो, प्यार तो कर दो, पारा दे दो, पारा तो दे दो। नहीं जा रहे, मजाक कर रहे हैं, जो प्यार तो कर लो, अब तो प्यार कर लो जल्दी। इंस्टा की वो बंद हो रही है। हाँ वालेकुम अस्सलाम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चलो मिलो, अब दोबारा बोलो अबान, सलाम करो। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वबरकातुहू वबरकातुहू। आ गए हैं सुजन। अबान कम हियर, अबान। सो जी जनाब, वी आर हियर इन सुजन। उमर का दिल चाह रहा था चाइनीज़ खाने का, तो जौहर में ये जो है न्यू रेस्टोरेंट ओपन हुआ है चाइनीज़, तो हमने कहा चलो जी यहाँ का ट्राई करते हैं, और घर के नियर भी हो गया। तो हम आ गए हैं सुजन, और अभी स्टार्टर में क्रैकर आ गया। इन्वायरमेंट की बात करें तो इन्वायरमेंट यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा कूल टाइप का है, लाइक मगर मुझे अंधेरा बहुत लगा, लाइटिंग की नीड है। लेकिन इन्होंने शायद बनाया है इसी तरह से इन्वायरमेंट देने की कोशिश की कि अंधेरा अंधेरा सा हो, हल्की हल्की लाइटिंग और म्यूज़िक चल रहा है, उसमें अपना फूड सब इन्जॉय करें। तो बहजी ने मंगाया था शेजवान डम्पलिंग्स, तो अभी वो आ चुके हैं। इसके अलावा उज़ैफ़ा ने मंगाया था मंगोलियन चिकन, तो विद राइस, मतलब 1% सर्विंग बहुत ज़्यादा थी, हमें अंदाज़ा नहीं था इतना ज़्यादा आ जाएगा। फिर अबान का जो है अभी तक फूड ही नहीं आया, तो अबान को आ रहा था गुस्सा। अच्छा मुझे मारो फ्राइज का, डालने दे रहे हो, मुझे मारो 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 मारो। तो मम्मा का क्या है, सही कहा, खाओगे मेरे साथ? तो जी मेरा आ चुका है स्टेक, लेकिन स्टेक जब तक सिजलिंग प्लेट में ना आए ना, वो बात नहीं लगती स्टेक की। तो मुझे वो कमी लगी कि स्टेक उसी प्लेट में आना चाहिए। और फ्लेवर की बात करें तो मज़े का स्टेक था, लेकिन उतना भी नहीं था कि आप स्टेक लवर हैं तो आप लोगों को पसंद आ जाए। ठीक था, अच्छा था स्टेक। क्या है बंद करके? वाओ फ्राइज भी है, केचप, टमाटर,
चीज है, मशरूम्स हैं। क्या हुआ? हैप्पी नाउ, हैप्पी रोके रोके आंसू आ गए। वाह स्टार्ट थोड़ा थोड़ा वाह बाइक वाली बोल के जबरदस्त इतने इंतजार के बाद अबान का फूड आ ही चुका है और अबान के लिए हमने मंगाया था किडी प्लेटर जिसके अंदर थे फ्रेंच फ्राइज जो कि अबान की मोस्ट फेवरेट है। इसके अलावा जो चीज़ें थी वो अबान ने बिल्कुल शौक से नहीं खाई लेकिन जो है इंजॉय ज़रूर किया अबान ने। तो साथ में थे अनियन रिंग्स थी और ये जो है बहुत ही ज़बरदस्त थी जो मोज़रेला स्टिक थी जो कि अबान खेल रहे थे इसमें इंजॉय कर रहे थे अबान लेकिन खाया अबान ने नहीं। साथ में विंग्स थे और मशरूम्स थे और गार्लिक सॉस थी। तो मतलब एक बेस्ट प्लेटर है फॉर किड्स लेकिन जो बच्चे खाते हों उनके लिए, क्योंकि बच्चे अनियन भी नहीं खाते, विंग्स भी इतने शौक से नहीं खाते और ये कुछ बच्चे मोज़रेला स्टिक खाते हैं शौक से लेकिन अबान नहीं खाते। तो आई थिंक बच्चों के लिए बेस्ट प्लेटर था ये लेकिन अबान के लिए नहीं था। अब सूजन के फूड की बात करें तो फूड वाज अमेजिंग, बहुत मज़ा आया। चाइनीज़ लवर ज़रूर जाएँ, चाइनीज़ इनका बेस्ट था, डम्पलिंग्स इनके बेस्ट थे। हाँ स्टेक को रिकमेंड नहीं करूँगी क्योंकि स्टेक अगर आपको खाना है तो कहीं और जाएँ, लेकिन वैसे ओवरऑल बहुत ज़बरदस्त था, इन्वायरमेंट भी बहुत मज़े का था, तो मज़ा आया, हमने इन्जॉय किया। तो आप लोग भी ज़रूर जाएँ और ट्राई करें। चले जी अबान जो है रो रहे हैं क्योंकि उज़ैफा और बहजाद को हमने ड्रॉप कर दिया है घर। खाना बहुत मज़े का था, ज़बरदस्त था। ऐसी जगहों पे ना खामोशी से नहीं होती कि बंदा व्लॉग भी नहीं कर सकता, खामोशी से वीडियो बनाता है, तो मज़ा आ रहा हूँ मैं। खाना बहुत ज़बरदस्त था, ये न्यू ओपन हुआ है जौहर में, तो चाइनीज़ और स्टेक वगैरह, स्टेक मुझे सही था मतलब अच्छा था, मगर वो स्टेक नहीं था कि खाते रह जाओ, लेकिन मज़े का था, नॉट बैड, अच्छा था खाना, मज़े का था। चाइनीज़ कैसा था? और मैंने खा लिया खाने के बाद पान, मीठा पान और सिसकियाँ ले रहा है एक बच्चा, क्योंकि उमैर ने बोला था उज़ैफा और बहजाद अपने कपड़े ला रहे हैं और वो स्टे करने आ रहे हैं हमारे साथ, तो वो अबान ने कहा फिर अल्लाह हाफिज़ क्यों बोला? अबान क्या हुआ बताओ। चलें जी इसी के साथ व्लॉग को करती हूँ एंड, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।